देखता है जहां चलते हैं कितने अर्द करते हैं। सुरेश रनिंग पर है, बहुत ही तकड़ा रनर है सुरेश। यहां पर चकमा देकर खो दी यहां पर गोरखा राम ने, लेकिन सुरेश उस जाल में नहीं फंसा। डायरेक्शन की वजह से आउट नहीं दिया या आउट। पहला पॉइंट नजर ध्यानचंद टीम को, सुरेश आउट होकर बाहर जा रहे हैं। रनिंग पर राहुल, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और इतनी ही बेहतरीन प्रतिभा राहुल। राहुल चौधरी पदमपुरा से, आउट राहुल, दो आउट। धर्मेंद्र राव रनिंग पर है, फर्स्ट थ्री में दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। धर्मेंद्र भी अनेक बार राज्य स्तर पर खेल चुका है। एक बार पुनः सभी खेल प्रेमियों का राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एनआर शिक्षण संस्थान रातड़िया की तरफ से आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। निश्चित तौर पर जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद ने संपूर्ण दुनिया में भारत का नाम लहराया फहराया, आशा करते हैं कि इनमें से भी अनेक खिलाड़ी भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। फर्स्ट थ्री आउट हो चुके हैं और आउट राजपाल, आउट बहुत जल्दी आउट हो, और ये दूसरा आउट सोलह यात्रा आउट हो गए। गोरखा राम द्वारा बहुत ही जल्दी आउट कर दिया गया यहां पर शिवलाल को। सेकेंड थ्री में दो खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हो चुके और या तीसरा भी आउट। पवन सिंह रनिंग कर रहे हैं, अपील यहां पर जरूर हुई लेकिन हम पर भरोसा अपील का कोई प्रभाव नहीं। देखो यहां पर दी जा रही है, एक और आउट। हरीश रनिंग कर रहे हैं, हरीश भी पिछली बार 14 वर्ष में राज्य स्तर पर खेला था और ये आउट। यहां पर पोल पर हरीश बैलेंस बिगड़ा और आउट हो गए। आमिर खान छठे कद का खिलाड़ी, बहुत तेज दौड़ता हुआ गोरखा राम के आगे एक बार फिर फंसा आमिर और आउट। देखो यहां पर इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उच्चावर्धन करने के लिए हमारे बीच रातड़िया के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय विष्णाराम जी, राजकीय विद्यालय रातड़िया के प्रधानाचार्य आदरणीय जेठाराम जी सुथार, कोऑपरेटिव मैनेजर आदरणीय अवरदान जी, आप सभी हमारे देवतुल्य मेहमानों का कुमार शिक्षण संस्थान हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जब भी एमआर की टीम जीत कर आती है सरपंच आप हमेशा उत्साहवर्धन के लिए विद्यालय में पहुंचते हैं।
आपका बच्चों के प्रति लगाव बहुत ही काबिल तारीफ है। सुरेश रमन पर है, यहां पर धर्मेंद्र ने बीच में फंसाया और चौधरी को अपनी तरफ खींचा। दर्शक खामोश है। यहां पर पॉइंट का इंतजार है दर्शकों को। यहां पर बहुत शानदार और आउट चकमा देकर यहां पर खो दी थी और रनर फंसा और आउट। सुरेश रनिंग कर रहा है। यहां पर सुरेश को आउट करने की कोशिश की जा रही है। यहां अपील जरूर हुई लेकिन अंपायर पर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं। खेल प्रतिभाओं को निखारा है और उन्हें संदीप सिंह जी हनुमानगढ़ आपका भी बहुत शानदार प्रणाम। खेलों के प्रति इस विद्यालय के इतिहास में और ये आउट। सुरेश यहां पर आउट हो गए और ये पारी भी समाप्त। 11-11 क्या कांटों की तुलना है। बराबरी का मुकाबला अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन जीतेगा? दोनों बहुत ही संतुलित टीमें। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों टीमों में बेहतरीन और नपतुले खिलाड़ी हैं। दोनों कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, इस खेल दिवस के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा इस विद्यालय के निदेशक जी कि वो हम सबको उद्बोधित करा रहे। मां सरस्वती के मंदिर में मां सरस्वती को